He wasn't happy with the third, considered invalid, and now it's all eyes on Nira Chopra as he runs through for his fourth try, trying to pit his countryman, the Indian Kishore Kumar Jaina. He does pit his countryman, he gets himself into gold. Hello, everyone, I hope you are doing well. So, recently, abhi aapko ye khabar, I, I hope you are खासकर गोल्ड मेडल को जीतकर आपको 2022 को डिसाइड हुआ था ये 2023 में एक्चुअली कोविड के कारण 2023 में हो रहा है 2022 में इंडिया में भले ही कोविड नहीं था लेकिन चाइना में था उस टाइम में कोविड ठीक है एक्चुअली निकला वहीं से है तो यहाँ पर जो बेसिकली जो अभी गे, जो गेम हो रहे हैं एशियन गेम हैं गेम्स या ये जो प्लेस है वहां पर बेसिकली ये गेम हो रहा है ठीक है इसमें रिसेंटली अभी आज की खबर है कि नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन जो थ्रो होता है उसमें बेसिकली जो एक डिस्टेंस जो कवर किया वो 87.5 मीटर का है अपने एक सवाल दिमाग में निकल रहा कि ये में इतना था नहीं इससे भी ज्यादा था हुआ क्या है हुआ यह है कि नीरज चोपड़ा आ, बेसिकली यहां पर ना एक चीज ये देखा गया कि इनके इन, इन्होंने ये कहा कि आई हैड टू थ्रो सेवन टाइम्स फॉर गोल्ड मेडल इन्होंने ये कहा कि सात बार हमें फेंकना पड़ा क्योंकि जो चाइना था ना वो चाह रहा था कहीं न कहीं नीरज चोपड़ा का आउट करने के मतलब बाहर निकालने के फिराक में वो था लेकिन नीरज चोपड़ा वो नीरज चोपड़ा ही है ठीक है और उन्होंने फाइनली उनको मालूम होना चाहिए कि इन इन्होंने सबसे जो बेस्ट दिया ना देखिए ये सोचिए कि ये 87.54 सेवन पॉइंट फाइव फोर ये डिस्टेंस फेंक कर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है लेकिन आपको बता दें कि ये डिस्टेंस से भी ज़्यादा था कितना तो 88.88 मीटर .88 ये 88.88 मीटर .88 जो ना ये सेकेंड टाइम में ये फेंक चुके थे यहाँ देख सकते हैं नीरज चोपड़ा कन कनकोर एशियन गेम्स 2022 फॉर द सेकेंड टाइम विद द सीजन बेस्ट थ्रो ऑफ 88.88 लेकिन चाइना के जो जो बेसिकली जो नोटिस करते हैं उन्होंने देखा ही नहीं उन्होंने देखा ही नहीं कि अरे यार ये तुम तो किसी और के बदले दौड़ दिए मतलब इन चाइनीज जो वहाँ जो जो पर्सन बेसिकली करा था उनका ये कहना था कि यार तुमने तो किसी और के बदले दौड़ दिया ना किसी और के बदले फेंक दिया अब ये तुम्हारा काउंट नहीं होगा तो ये जो सेकेंड टाइम ना ये नीरज चोपड़ा के काउंट नहीं हुआ लेकिन कोई नहीं कर हर मैदान फतेह और जैसे भी हो 88 से कम भी हो लेकिन गोल्ड मेडल तो इंडिया के हाथ में ही आया है ठीक है तो ये बेसिकली ये पूरा कहानी चला लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इसी जेवलिन जेवलिन थ्रो में ही जो नीरज चोपड़ा के साथ में जो सिल्वर जो आ, मेडल है ये जीतने वाले जेना किशोर इन्होंने भी खास कर ये मेज जो आप जो देख रहे हैं इन्हीं के आ, बोल सकते हैं कि जेवलिन थ्रो से ही बिलोंग करते हैं और इन्हीं के टीम से हैं। इन्होंने एक गोल्ड एक सिल्वर जीता है आज का पूरा हम देखे आज के पूरे आ, मतलब ये का? इमेज हमें यस आज ये आज का ना आज इंडिया जो टोटल बारह मेडल जीती है ठीक है जिसमे से आज एक नीरज चोपड़ा है और ज्योति वेनम है अनास अमोज इन्होंने बेसिकली यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है आज का टोटल अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया टोटल जो है न नाइनटीन एशियन गेम्स जो कि चाइना में हो रहा है उसमें अभी तक 81 जो है मेडल अभी तक जीत चुके हैं ठीक है और टॉप हम बा... की बात करें तो चाइना जो है ना ये सबसे टॉप में है जिसमें गोल्ड मेडल 171 सेवेंटी वन है इसका नंबर बोल सकते हैं कि जो फील्ड है खासकर जो प्लेयर्स है जैसे हमारे साइड से जैसे क्रिकेट हो गया हॉकी हो, हो गया जबलिन थ्रो हो गया और भी स्विमिंग हो गया लेकिन चाइना साइड से पार्टिसिपेशन जो है ना डिफरेंट हर एक सेक्टर में है हर एक सेक्टर हर एक फील्ड में तो एक प्लस पॉइंट इसको मिल जाता है तीन जो गोल्ड मेडल सॉरी तो टोटल मेडल जो वो चाइना जीता है सेकेंड में आपका 147 जापान का है थर्ड में आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया 148 नंबर से इंडिया से बहुत आगे है तो यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करें इंडिया का जो गोल्ड मेडल है अभी तक एशियन गेम में 18 वो जीत चुका है गोल्ड मेडल इंडिया के हाथ में अभी तक आया 31 आपका सिल्वर हो गया और हो गया गया और थोड़ा हम कंपेयर कर ले कि यहाँ से लेकर जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और जापान है दोनों का बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है ठीक है दोनों के अगर हम किसी एक को बीट कर लेंगे तो हमें लगता है कि अभी जो रिमेनिंग जो गेम्स बचे हुए हैं हमें लग रहा है कि हंड्रेड प्लस जो मेडल है ना वो इंडिया के खाते में आ सकता है जहां तक हमें ये प्रोडिक्शन लग रहा है कोई नहीं लेकिन अभी फिलहाल अगर और भी गेम्स की बात करें तो जैसे कि आपको मालूम मालूम होना चाहिए क्रिकेट क्रिकेट का का गेम्स 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 हॉकी है ठीक है तो क्रिकेट वाले में आपको कि और एट दोनों जो सिक्स और जो सेवन है जो अक्टूबर ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि कल आ, कल नहीं परसों के डेट में आज चार तारीख है तो परसों के डेट में इंडिया बांग्लादेश दोनों का होने वाला है और पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों में कोई जो विनर होगा दोनों में वो आगे आएगा और आगे ये प्ले करेगा सात अक्टूबर जो सात तारीख को जो खेलेगा और उसके बाद से एक फाइनल होगा मतलब यहाँ पर जीतने के बाद में दोनों बीच में फाइनल होगा तो उसके बाद से फिर गोल्ड मेडल किसके हाथ में जाएगा वो देखा जाना यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीजें हो ये हो सकता है कि अगर इंडिया यहां जीत गया यहाँ से पाकिस्तान जीत गया तो फाइनली यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैच हो सकता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ठीक है लेकिन उसी तरह हम हॉकी की बात करें तो हॉकी भी इंडिया में ना क्रिकेट के कंपैरेटिवली हॉकी को थोड़ा इम्पोर्टेंस कम दिया जाता है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ, देखा जाए तो हम पिछले पांच से दस साल पहले हम देखें तो कंपैरेटिवली आज के टाइम में हॉकी का जो इम्पोर्टेंट है वो क्रिकेट इतना नहीं है लेकिन फिर भी कम्पेट ये पांच से दस साल में ये बढ़ा है इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए इंडिया जापान फाइनल खेल रहे है ना मेन्स और इसमें वुमेन दोनों का अलग अलग है ठीक है तो ये चीजें अभी देखना है की सात अक्टूबर को बेसिकली होता क्या है तो जैसे इसमें कुछ अपडेट होगा तो वैसे हम कुछ वीडियो हम लेके आएंगे लेकिन आपको बता दें इसमें और एक पॉइंट जो की आपको मालूम होना चाहिए की नीरज चोपड़ा जो है ना ये कहाँ गया ये सेकेंड टाइम है जो कहीं ना कहीं हमें निराश नहीं किए है और ये कह सकते हैं इनके बारे में कि नीरज चोपड़ा जो है ना ये बने ही खासकर गोल्ड मेडल अचीव करने के लिए आ, मेरे ख्याल से जहां भी जाएंगे ना जिस गेम में जो अपनी एक्सपर्टीज है कहीं भी हो चाइना हो चाहे आपका यूएसए हो चाहे आपका आ, और भी दूसरे कंट्री में गोल्ड मेडल तो एक तो रिजर्व होता है इनके लिए और कितने लोग खासकर ये मानते हैं कि ये इनके अः मतलब झोली में या इनके कब्जे में बोल सकते हैं एक तो गोल्ड मेडल रखा हुआ होता है जितने लोग मानते हैं कि गोल्ड मेडल इनका रिजर्वेशन है बोल सकते हैं ये रिजर्व कर रखे हुए हैं जिस भी जहां भी खेलने के लिए जाएंगे ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच